लोग बहुत यूज करते हैं ऑफिस में। क्यों? क्योंकि पिवट टेबल का यूज होता है किसी पर्टिकुलर डेटा को समराइज करना, और समराइजेशन एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप है कि किसी डेटा को अगर आप एनालाइज करना जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी समरी क्रिएट करना होगा, तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो समरी जो होता है वो किसी पर्टिकुलर डेटा की समरी क्रिएट करने के लिए पिवट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी एनालिसिस हो या किसी भी तरह का रिपोर्ट अगर आप ऑफिस में बनाते हैं तो किसी न किसी डेटा का समरी समरी होता है। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि आपके ऑफिस में बनने वाले रिपोर्ट्स का अधिकतर चीज आपके पिवट से हो सकता है। अगर पिवट टेबल पे कमांड हो गया तो आप अधिकतर रिपोर्ट्स को बना सकते हो। ठीक है, तो पिवट टेबल लगाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले कि डेटा को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि अगर आप डेटा को नहीं समझेंगे ठीक तरीके से तो आप उस पे पिवट नहीं लगा पाएंगे। इसलिए क्योंकि डेटा को समराइज कर रहे हैं, अगर डेटा को सही ढंग से आप समझ लें तो आप अच्छी तरीके से पिवट लगा सकते हैं। इसलिए डेटा को पहले अंडरस्टैंड करें कि डेटा आखिर है क्या। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पिवट लगाने से पहले हम डेटा को सिलेक्ट करें या ना करें। डेटा को सिलेक्ट करें या ना करें वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। जैसे कि अगर मान लीजिए पूरी की पूरी रो ब्लैंक है, ऐसे यहां पे देखिए मैंने पूरी रो ब्लैंक कर दी। अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक है तो हमें डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि जस्ट ऊपर जो है इसी का बोला आपको पिवट लगा देगा, नीचे का पार्ट वो नहीं टच करेगा, क्योंकि ये कंट्रोल ए मतलब कि करेंट रीजन पे चलता है। इसलिए डेटा सेट करना पड़ेगा अगर आपके अंदर ब्लैंक रो है। अगर हम ब्लैंक रो को यहां से डिलीट कर देते हैं, अब मुझे डेटा को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। विदाउट सिलेक्शन भी हम इसमें काम कर सकते हैं। तो यहां सिलेक्ट करते हैं इंसर्ट पिवट टेबल में एक और आता है रिकमेंडेड पिवट टेबल। ये नया फीचर है 2013 एंड 16 का। ये बहुत से फीचर उनके लिए जो बिगनर है, मान लीजिए कि पिवट टेब मतलब आपका जब भी सिलेक्ट कर लिया तो ये पिवट टेबल पे बताएगा देख के कि आपके इस डेटा में पिवट टेबल जो है कितने तरह का पिवट टेबल लगेगा और किस तरह का होगा। जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है उसको सिलेक्ट कीजिए। नहीं तो आप मैनुअल भी लगा सकते हैं, यहाँ ब्लैंक पिवट टेबल सिलेक्ट कीजिए। ओके, एक नई सीट दिखेगी और उसमें आपका पिवट टेबल यहाँ दिख जाएगा। सर वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ एक मिनट, नहीं सर आपके हमसे प्रॉब्लम है सर। नरेश जी मेरी आवाज सही आ रही है आपको ना? अरे सर हाँ, आपके हमसे प्रॉब्लम है अभिषेक सिंह जी, आप ऐसे ही बार बार ऑफलाइन चले जा रहे हैं। तो
यहाँ पे आपका एरिया है जहां पे पिवट प्रिपेयर होगा और ये आपके फील्ड है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपका डेटा का कोई भी फील्ड का जो हेडिंग है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक हुआ तो फिर ये पिवट लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पिवट टेबल जो लगाते हैं तो एक ब्लैंक फील्ड और जो इसकी हेडिंग होते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए ध्यान से रखिए कोई फिर हेडिंग ब्लैंक ना हो। बस कुछ नहीं करना पिवट टेबल में, आप अपने फीचर को यहाँ इन चारों कॉलम में से उठा कर रखिए एज पर रिक्वायरमेंट, आपका पिवट यहाँ प्रिपेयर होते चले जाएगा। अब क्या कैसे रखें, अब चलिए इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है जिस तरह की रिपोर्ट की, जिस तरह की इंफॉर्मेशन की, उसके अकॉर्डिंग आप यहां रखेंगे। जैसे कि मुझे चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कितने इंप्लॉई हैं, मैं हेडकाउंट निकालना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट के अंदर में कितने हेडकाउंट है, ये हेडकाउंट निकालना चाहता। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने पिवट पे आएंगे और हम डिपार्टमेंट को उठा के रो में रखेंगे। रो में रखने से क्या हुआ कि डिपार्टमेंट का लिस्ट मेरे पास रो वाइज आ गया, वो भी यूनिक। तो पिवट की खासियत होती है कि अगर आपका जो डेटा है उसमें अगर मान लो कॉलम फील्ड रखते हैं वो अगर बहुत बार रिपीटेड है फिर भी आपके डेटा में वो इसमें रिपोर्ट में वन टाइम आएगा। और हेडकाउंट चाहिए तो हम नेम को उठा के यहाँ कैलकुलेटर वाले जो फील्ड है जो वैल्यू का सैंपल बना हुआ उसमें रख दिया, उसका काउंट निकल के आ गया। तो किस डिपार्टमेंट में कितना ये है नंबर ऑफ एम्प्लॉय है ये मैं यहाँ आ गया, और मुझे पता करना है कि वो एवरेज कितनी सैलरी दे रहे हैं, ये भी चाहिए कि एवरेज कितनी सैलरी ले रहे हैं ये भी चाहिए। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, सीट पे गए और यहाँ सैलरी को उठा के वापस हम यहाँ रो में रख दिए। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ सैलरी है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसा फील्ड इसमें डालते हैं जो टेक्स्ट है उसका काउंट आ जाएगा, और ऐसा फील्ड डालते हैं जिसमें नंबर है वो यहाँ पे आपको सम कर देगा। लेकिन ये साइड में जो आपका एरो की है इस पर क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए तो यहाँ से चेंज कर सकते, या फिर इसके हेडिंग जो है ना हेडिंग इस पे डबल क्लिक कीजिए तो भी आपको सम ऑफ सैलरी का पॉपअप आ जाता है। अब इसमें सम के जगह पे मैंने एवरेज को सिलेक्ट किया और फिर ओके प्लेस करते हैं तो यहां पे देखिए आपका ओके आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे आपका एवरेज है। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग, मान लीजिए कि अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो जनरली जो आप अपने रिपोर्ट्स की फॉर्मेटिंग करते हैं, यहां से जो आपका अपना बॉर्डर हेडर सब डाल देते हैं, वो फॉर्मेटिंग आप यहां कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका पिवट बार बार अपडेट होता रहता है तो यहां पे ये चीज करना गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे फॉर्मेटिंग कर देते हो, जैसे आपका पिवट अपडेट होता है वो अपने आप को रिफ्रेश करेंगे जैसे ही, तो वो अपना लोकेशन चेंज करेगा, तो फिर आपकी फॉर्मेटिंग कंटिन्यूस नहीं रहती है, तो फॉर्मेटिंग आपकी ऊपर नीचे हो जाती है। तो फॉर्मेटिंग को कंटिन्यूस रखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि यहाँ ऊपर एनालाइज के बगल में डिजाइन दिख रहा है, एनालाइज के बगल में आपको डिजाइन दिख रहा है, इसमें बने बनाए हमारे फॉर्मेट्स वो आप ले सकते हैं। तो इसमें से जो फॉर्मेटिंग आप चूज करेंगे वो फॉर्मेटिंग आपका जो है फिक्स रहेगा पिवट के साथ, ठीक है, क्लास के साथ जो है फिक्स रहेगा। दूसरा चीज, क्या हम इसकी हेडिंग को चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, हेडिंग को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहां देखिए, लेकिन कभी कभी हेडिंग आपका नहीं लेगा तो एक स्पेस दे दीजिए, होता है कभी कभी, ये आपका रिपोर्ट। आपकी आवाज नहीं है, आपने क्या बताया जो कभी कभी नहीं लेगा तो क्या करना है? स्पेस डाल दीजिए, ठीक है, कभी कभी नहीं लेगा तो इस पे आप स्पेस डाल दिया कीजिए, ठीक है। चलिए एक रिपोर्ट ही हो गया। तो इसी तरीके से पहले आपको डिसाइड करना है कि क्या चाहिए। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट रिपोर्ट मुझे चाहिए, वो चाहिए सिटी बाय डिपार्टमेंट बाय सिटी बाय हेड काउंट, तो चलिए इस पे हम पिवट बनाते हैं। और पिवट टेबल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मुझे, हमने यहाँ पे ओके कर दूंगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यू वर्कशीट सिलेक्टेड है, तो अगर आप न्यू वर्कशीट पे ही रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो वर्कशीट से पहले था उसी पे रखना है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट कीजिए और उस लोकेशन पे चले जाइए जहाँ पे पिवट रखना है। अब देखिए, एक से ज्यादा पिवट आप अपने एक सीट पे रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो पहला पिवट है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि ये पिवट आगे बढ़ेगा तो इस पिवट को ओवरराइड कर देगा, ठीक है, तो इसलिए पहला पिवट आपकी कंप्लीट हो गई, देन दूसरी पिवट आप डिजाइन कीजिए तो सही रहेगा। अब मुझे यहां चाहिए डिपार्टमेंट, तो मैंने डिपार्टमेंट को रख दिया रो में और सिटी को रख दिया कॉलम में, और जिसकी कैलकुलेशंस करनी है उसको उठा के मैं रख दिया वैल्यू में, ठीक है।
अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप हेडिंग को मतलब कि कॉलम फील्ड में रखते हैं तो रखिए रिपोर्ट ठीक बनता है, अच्छा बनता है, लेकिन आपका कॉलम अगर छोटा है, लिस्ट ऑफ मतलब कि कॉलम जो है आपके कम है तो क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए आपके पास अगर 200-300 फील्ड वाला अगर कोई है तो ये तो काफी आगे बढ़ जाएगा, इसको नेविगेट करने में काफी प्रॉब्लम, समझे कि रिपोर्ट को समझने में इसको नेविगेट करने में काफी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा इस पर, तो अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट है जैसे 200-300 का लिस्ट है जो इस तरह से दिक्कत होगा, तो उस समय हम अपने सब हेडिंग को यहाँ रो के नीचे सब रो पे डाल देंगे तो इस तरह से आपका रिपोर्ट दिखेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें कॉलम और भी आ गया क्योंकि तो टोटल मैं पहले तो इस टोटल को हटाना चाहूंगा मैं, तो मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से इसको सब टोटल डिपार्टमेंट आ रहा है इसको हटा दीजिए, ये आपकी रिपोर्ट आपको दिख रही है, लेकिन अभी सही दिख रही है, लेकिन अगर सेम रिपोर्ट अगर किसी को भेजना है तो ठीक है, एज ए पिवट ही था अगर आपको भेजना है तो ठीक है, लेकिन एज ए पिवट नहीं भेजना है, जो कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करके अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करके भेजेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका दोनों मतलब कि डिपार्टमेंट और जो आपका सिटी है दोनों एक ही कॉलम में, तो ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में आप जो है हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट अलग हो सिटी अलग हो तो अलग अलग कॉलम में, क्लासिक व्यू कर दीजिए, तो क्लासिक एक तो तरीका है कि आप राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके आपके पास यहाँ डिस्प्ले के अंदर में क्लासिकल पिवट टेबल क्लासिक पिवट टेबल लेआउट है उसको कर सकते हैं, तो ये अलग अलग कॉलम में हो जाएंगे, या फिर हम एनालाइज में जाएंगे जैसे डिजाइन में जाएंगे तो यहां आपके पास रिपोर्ट लेआउट होते हैं, ये रिपोर्ट लेआउट आप अपना इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। अब दिक्कत इसमें ये आती है कि ये जो ब्लैंक एरिया रह जाता है, मैं चाहता हूं इस ब्लैंक एरिया को आईटी से फिल कर देना, तो आप यहां पे मैन्युअली कैसे लिखोगे, तो यही पे लेआउट में देखिए यही पे आपको लिखेगा रिपीट ऑल आइटम लेवल, इस पे क्लिक कीजिए ये आपका रिपोर्ट कर देगा, रिपीट कर देगा, मान लीजिए मेरा जो पावर टेबल है वो मेरा बैकग्राउंड डेटा है वो हर 2 मिनट पे 3 मिनट पे 5 मिनट पे मुझे अपडेट करना है बैकग्राउंड अपना डेटा, और मैं चाहता हूँ मेरा जो पावर टेबल है मुझे मैनुअली रिफ्रेश न करना पड़े, वो ऑटोमेटिक डेटा डालने पे अपडेट हो पाए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसका ऑप्शन है लेकिन उसके लिए आपको एक्सटर्नल पिवट टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है।
इसको नोट डाउन रख लीजिए, आगे तो हमने इसको रिपीट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक रो भी आ जाए, यहां से आप इंसर्ट ब्लैंक रो ताकि एक सेग्रेगेशन आप कर सके। तो ये ब्लैंक रो आप ही देखिए यहां से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि ब्लैंक रो हट जाए और ये रिपीट भी हट जाए, मुझे नहीं करना, तो मैं इसको डिजाइन में जाके हटा देता हूं। सबसे पहले यहां पे रिमूव ब्लैंक रो और यहां पे डू नॉट रिपीट। मैं चाहता हूं उसको मर्ज कर, तो आप इसको डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे मर्ज करेंगे, तो राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा यहां मर्ज एंड सेंटर विथ लेवल, इसको सिलेक्ट कीजिए, देन ओके, पिवट टेबल आपका मर्ज, ठीक है सर। तो पिवट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। हाँ बोलिए सर। एक सपोज हमारा जो आपका जो पूरा डाटा सेट है उसमें किसी के अंदर सर एक ब्लैंक सेल रह गया, तो क्या होगा सर? तो यहाँ नीचे ब्लैंक दिखाएगा, ठीक है। आप आगे बढ़े जी सर। ओके, तो पिवट टेबल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसको जो है थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़े। तो आप पिवट टेबल पर प्रैक्टिस कीजिए, आप वो ऑफिस डेटा में रिपोर्ट्स बनाते हैं उस पर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आप फोन कर लीजिएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और मुझसे क्लास से पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसकी वीडियो में भी अपलोड कर देता हूं, आपको मिल जाएगी सर।